नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसे हैं। उन्होंने तंज में कहा है कि बीजेपी की जीत में योगदान के लिए बसपा प्रमुख मायावती और AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पद्म विभूषण या भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, यूपी उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें 3 गुना बढ़ गई हैं। मायावती और ओवैसी ने बीजेपी की जीत में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें पद्म विभूषण भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि दलितों ने भी बीजेपी को वोट दिया क्योंकि उन्हें समाजवादी पार्टी के जंगल राज की वापसी का डर था। उन्होंने कहा कि बसपा के समर्थक जो मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू हैं और कई OBC समुदायों से हैं, उनमें ये डर था कि अगर सपा सत्ता में आई तो राज्य को जंगल राज और अतीत का गुंडा राज में वापस फेंक दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर भाजपा को वोट दिया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने सपा पर भरोसा किया, ये हमें महंगा पड़ा। हमने मुसलमानों पर भरोसा करके एक कड़ा सबक सीखा है, हम इस अनुभव को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार बदलाव करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर 111 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 255 सीटें आई हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के चुनावों में विपक्ष की लड़ाई काफी हद तक कांग्रेस पर निर्भर है। ममता ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस को सलाह देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभी आक्रामक न हो, सकारात्मक रहें। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव नतीजों से 2024 के भाग्य का फैसला करना अव्यवहारिक है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की हार के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीतना भाजपा को 2024 की जीत तक नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश को निराश और परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए और उसे चुनौती देना चाहिए। EVM की फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा, यह एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, ये एक मशीनरी जनादेश है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से कुछ राज्यों को जीत लिया है। वो ये सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि वे 2024 भी जीतेंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं होने वाला है। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन करने के एक दिन बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि इन राज्यों के चुनाव परिणामों का अगले लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में होगी और फैसला किया जाएगा, किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं। किशोर ने कहा कि साहब जानते हैं, इसीलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप ना फंसें। बता दें, PM मोदी ने चुनाव बाद अपने संबोधन में कहा कि 2019 के चुनाव के बाद ज्ञानियों ने कहा था कि 2019 की जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या इस बार ये ज्ञान ये कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की हार और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कहा, ये बदलाव की राजनीति है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं पंजाब के लोगों को नया सिस्टम शुरू करने के इस बेहतरीन फैसले के लिए बधाई देता हूं। ये पूछे जाने पर कि वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होते हुए ऐसा कैसे कह सकते हैं, सिद्धू ने कहा कि लोगों ने बदलाव को चुना है और वे कभी गलत नहीं होते। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, हमें विनम्रता से इसे समझना चाहिए और इसके आगे झुकना चाहिए। पंजाब में हार को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोष दिया, जिसके बाद कैप्टन का पलटवार आया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में नया नेतृत्व दिया, लेकिन कैप्टन के वक्त की 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ गई और लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया। इसको लेकर कैप्टन ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व हार से कभी नहीं सीखेगा। उन्होंने कहा कि UP में कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है, मणिपुर गोवा उत्तराखंड के नतीजों का क्या, जवाब बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा की तरह वो यानी कांग्रेस नेतृत्व इसे पढ़ने से बचेगा।
पांच राज्यों के चुनावों में बुरे प्रदर्शन और पंजाब के हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के अंदर से नेता एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ कांग्रेसी नेताओं से इसको लेकर बात की। कांग्रेस की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं हैरान हूँ, पार्टी की हार देखकर मेरा दिल रो रहा है। हमने पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी और जवानी दी है, मुझे भरोसा है कि पार्टी का नेतृत्व सभी कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जो मैं और मेरे साथी पिछले कुछ समय से उठा रहे हैं। वहीं शशि थरूर ने भी ट्वीट कर संगठनात्मक नेतृत्व में सुधार करने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी दुख जताया और कहा कि सब कुछ गलत हुआ है, गंभीरता से चुनाव लड़ने का इरादा ही नहीं था, बदले हुए नेतृत्व को लेकर पार्टी में उलझन थी, हमारी पारी खत्म हो गई है, लेकिन आने वाले कांग्रेस नेताओं का भविष्य दांव पर है। इसके अलावा भी इंडियन एक्सप्रेस ने बिना नाम बताए कांग्रेस नेताओं के बयान बताए जिनमें वो काफ़ी नाराज हैं और पार्टी के सुस्त रवैये को लेकर चिंतित भी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।